सच का सामना कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। वही तो कर रहा हूं मैं 25 सालों से। क्या हुआ? चलाइए। क्या ये सच काफी नहीं? इतना काफी है। मुझे ये नहीं पता कि मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं। सारी जिंदगी आपने मुझे रामायण और महाभारत का पाठ पढ़ाया और मैंने पढ़ा, लेकिन आज मैं एक ऐसे इंसान के सामने बैठा हूं जो उन सारे किरदारों से अलग, एक अजीब सा इंसान जो 25 सालों से अपने गुनाह अपने ही घर में छुपा के जी रहा है। ये महाभारत और रामायण की कहानी से बाहर निकलो आयुष। हर किरदार अपनी जरूरत के पीछे भागता है, अहंकार, भूख और लालच के लिए, और उसी लालच ने उस दिन मेरा ईमान डगमगा दिया। गलती हो गई मुझसे, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश भी की है मैंने। एक अच्छा बाप बन के, एक अच्छा पति बन के, और तू आज तेरा जमीर जागा है। तेरे वादे पे 25 साल की जिंदगी बताई है मैंने, और आज वो वादे को दफना कर अच्छा इंसान बन जाएगा तू। अरे जितनी गलती मेरी थी उतनी तेरी भी है बादशाह। अगर मुझे शिव को सोच समझ कर मारना था तो उस दिन मैं तुझे भी मार देता। मैंने तुम दोनों की सुपारी निकाली ये सच को दफनाने के लिए, लेकिन आज वो काम मैं पूरा करूंगा तुझे तुझे और अपने आप को मारकर। अच्छा है, ये भी अच्छा है। मैं खत्म तो मेरा दर्द खत्म। चला गोली, चला गोली। आई हूं मारने नहीं आया हूं बाबा। सच सुना? यकीन नहीं हुआ, सोचा देख लूं, लेकिन अब भी यकीन नहीं हो रहा है, और ना शायद कभी होगा। मुझे तो अपने सगे बाप की शक्ल तक याद नहीं। खुद को जानने से पहले आपकी उंगली थाम चुका था, उसके आगे कुछ पता ही नहीं। मानने की नफरत दूर की बात है बाबा, अगर आपकी किताब में हमें मानना सही है तो सही है। शुरू मुझसे कीजिएगा, बस इसकी भनक मेरी मां को ना पड़े, क्योंकि इस पूरी कहानी में ना उस किरदार ने सबसे ज्यादा खोया है। कौन मरेगा, किसका जख्म भरेगा, किसका बटेगा।